अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलू गोश्त की मटन की रेसिपी दिखा रही हूँ। उसके लिए 3 टेबल स्पून खोपरा, 3 टेबल स्पून फल्ली, 1.5 खसखस, अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची नमक, 4 लौंग, 5 इलायची, 3 दालचीनी के पीसेस, 1/4 चम्मच दालचीनी, 2 आलू बड़े साइज के, 1/2 किलो मटन। अब देखिए आप ये मसालों को मैं एक के बाद एक वन बाई वन रोस्ट कर रही हूँ। अब जो है फल्ली रोस्ट कर रही हूँ मैं। अब खोपरे को रोस्ट कर रही हूँ। अब जो है खसखस रोस्ट कर रही हूँ। उसको भी 1 सेकंड के लिए करना, ज्यादा देर तक मत करिए, जल जाती है, जरा कलर चेंज होना है खसखस। वो भी रोस्ट हो गई। अब यही पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। देखिए ऑयल गरम होने पर प्याज डाल के उसको फ्राई कर लूंगी, लाइट उसका कलर चेंज हुए तो। प्याज फ्राई हो गई, वही चीज़ों में प्याज भी डाल दूंगी मसालों में। देखिए अब ये पूरे चीज़ों को जो है ग्राइंड करूंगी, ग्राइंड करे बाद आपको दिखाऊंगी। जब तक जो है एक पैन में मैं ऑयल डाल रही हूँ, 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं। ऑयल गर्म होने पे ये आलू जो कटे हुए हैं उसको जो है फ्राई कर रही हूँ मैं, ताकि इसका कलर जरा चेंज हुए तक फ्राई करना है। दो बड़े साइज के आलू है, इस तरीके से ये शेप में कट करी मैं। अब आलू भी फ्राई हो रहे। इधर जो है जार में मसाले ग्राइंड कर रही हूँ मैं पूरे। अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है इसका, थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर रही हूँ। मसाले ग्राइंड हो गए। अब ये मटन में जो है मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। 3 चम्मच अदरक लहसुन टेबल स्पून और 3 चम्मच मिर्ची, 1.5 जो है हल्दी, सॉरी 1 चम्मच हल्दी, 1.5 नमक, 1/2 पिसा हुआ पेस्ट, 1/2 चम्मच को मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए एटलीस्ट 15-20 मिनट रखूंगी। अगर आप नहीं भी रखे, इमीडिएट भी बनाए तो भी चलता, बस मैरिनेट ऐसा कर लेना बनाने से पहले। स्टोव ऑन करी, कुकर ली, कुकर में जो रिमेनिंग ऑयल था आलू का वो ऑयल भी इसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ मैं और डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि 3 टेबल स्पून ऑयल लगता। देखिए तेल गरम हो गया, ये गरम मसाला डाल रही हूँ, इसको 1 सेकंड के लिए फ्राई कर रही हूँ। मसाला फ्राई होने पे मैरिनेट करा हुआ मटन जो है इसमें डाल देना।
तरीके से बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी टेस्टी कोरमा दिखेगा ये आप लोगों को। देखिए आप इस तरीके से पहले पूरा मिक्स कर लीजिए एक दो चार मिनट। अब उसके बाद जो है दही को डालिए। दही डालने के बाद भी दही को मसालों के साथ अच्छा मिक्स करिए। अब ये पूरा कच्चा पना है दही मसाले गोश्त। अब इसको पकाने के लिए पानी डालना है। देखिए आप जरा मसाले पहले भून लीजिए दही में। ये मसाले वेस्ट नहीं होना, उसका पानी भी जो है इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिए ये सब चीज़ें पकना है, गोश्त दही मसाले। अब एक ग्लास पानी डाली मैं, डाल के अब इसको जो है लिड से कवर करूंगी मैं। देखिए आप तीन विसिल आने के बाद 15 टू 20 मिनट स्लो पे रखना। उतनी देर में पानी गोश्त सब चीज जो है बराबर पक जाएंगी। देखिए आप देखिए सीटी आ रही, ऐसे तीन या चार विसिल के बाद जो है स्लो करना है। अब स्लो कर दी मैं, 15 टू 20 मिनट स्लो पे करिए। अब हो गए 20 मिनट, हो गए 20 मिनट्स। अब जो है विसिल हटा के मैं जो हूँ लिड खोल के बता रही हूँ। देखिए तेल भी ऊपर आ रहा है, इतना पानी है, मगर ये पूरा पानी ड्राई होना है। अभी ये पूरे तरीके से पकावा नहीं है, जब तक ये पानी पूरा ड्राई नहीं होगा जब तक हमारे अपने को जो है ये ऐसा पकाते रहना है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। देखिए आप ये मत समझिए कि तेल ऊपर आ गया पक गया, क्योंकि अभी भी कच्चा पना है इसमें, ये पूरा सूखना है। ये एंड में थोड़ा सा पानी इसलिए डालिए ताकि वो पहले मसाले थे पूरे, अब ये पानी में और जो है पूरे पक जाते। पक गए मसाले, तेल ऊपर आ गया। अब ये फ्राई करे हुए आलू डाल दीजिए। डालने के बाद आलू को भी मसालों के साथ अच्छे तरीके से एक दो चार मिनट मिक्स करिए, ताकि आलू में जो है मसाले का टेस्ट आ जाना, और आलू फ्राई करके डालने में जो है वो टेस्टी दिखते बल्कि फ्राई करें। अब आप देखिए कोरमे के लिए शोरबा छोड़ना, तो इसलिए दो ग्लास पानी डाल दीजिए। आप जितना पतला चाह रहे आप लोगों की चॉइस के ऊपर है, क्योंकि गोश्त भी गल गया, आलू भी एक दो सीटी में फ्राई हो जाते हैं। देखिए और हरा मसाला डालिए थोड़ा ऊपर, थोड़ी पुदीना कोथमीर एक दो हरी मिर्ची। पानी डालने के बाद ये चीज़ें भी डाल दीजिए, अच्छा मिक्स करिए। थोड़ा गरम मसाला डालिए, पेस्ट गरम मसाले का। अब आप जो है लिड से कवर करिए, सीटी लगाइए। एक तीन सीटी के बाद एक फिर 10 मिनट्स के लिए स्लो पे कर दीजिए। 5 to 10 मिनट स्लो पे रखिए। बस लोग समझते कि आलू को सीटी लगाने में आलू बहुत नरम होते, वैसे कुछ नहीं होते। आप सालन पके बाद देखिए कि आपको कितना अच्छा दिखेगा आलू, सालन हर चीज अच्छी दिखती। देखिए आप तीन विसिल के बाद रखिए 10 मिनट्स के लिए। हो गए 10 मिनट्स में स्टोव ऑफ कर दी। अब ये विसिल की पूरी स्टीम निकलने दीजिए। अब आप देखिए माशाल्लाह कोरमा तकरीबन पूरा रेडी हो गया। देखिए आप लोग ये बना के देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। अगर मेरे रेसिपीज आप लोगों को पसंद आ रहे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को कोई किस्म का ऑब्जेक्शन दिख रहा
मेरे पकवान में कोई चीज है तो आप बिल्कुल मेरे को फ्रीली बोल सकते, मैं कोई किस्म का एतराज नहीं करूंगी, बल्कि उसको सही करने की कोशिश करूंगी। माशाल्लाह देखिए ये सालन बन के रेडी हो गया, आप लोग इसको बना के ट्राई करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये रोटी और चावल के साथ खा सकते। अगर आपको ये मेरा कुकिंग वीडियो पसंद आया ना, तो मेरे चैनल पे और भी कुकिंग वीडियोस हैं, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। मैं और वीडियोस बना के दूंगी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मेरे कुकिंग वीडियोस देखते हैं आप लोग।